इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश देख रहा हूं। वाक्यांशों की अभी आपको सभी के आउटलाइन बना के बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। यहां सबसे पहले मैं जो वाक्यांश है इनकी पहले आउटलाइन बनाऊंगा, उसके बाद में आप इनको बनाने की कोशिश करना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और गलतियां आपकी निरंतर कम होती जाएंगी। मैं उन्हीं वाक्यांशों को अक्सर लेकर आता हूं जो आपकी डिक्टेशन में बार बार प्रयोग किए जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप उन शब्दों को ठीक से नहीं लिख पाते। तो अभी मैं इनकी सबकी आउटलाइन आपको बना के बताऊंगा, और यदि किसी कारणवश आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियां अधिक आ रही है, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1 बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है। इनको पूरा ट्रांसलेट किया शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना है, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको ये जो शब्द है इनको बना के बता रहा हूँ। सबसे पहला है देश की सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहला है देश, यहाँ पे दा बनाएंगे, शाखा आंकड़ा रखेंगे देश की, इसी में सुरक्षा, शाखा आंकड़ा भी हो गया, रा भी हो गया, छा भी हो गया, इस तरह से सुरक्षा, और ये के लिए हो गया देश की, ये सुरक्षा के लिए। इसके बाद है दिग्विजय के रूप में, लाइन काट के बनाएंगे, ई की मात्रा है, दिग विजय के रूप और ये में, दिग्विजय के रूप में। के आगे है परंपरागत सीट पर, पामेरा का आंकड़ा और मां, परंपरागत और ये सीट पर, ये हो गया परंपरागत सीट पर। इसके बाद है पारदर्शी तरीके से, लाइन से ऊपर आएंगे, बढ़िया की मात्रा है, पारदर्शी। इसके बाद में है तरीके और ये से, ये हो गया पामेरा का आंकड़ा, दामेरा का, पारदर्शी शाखा आंकड़ा, तरीके तामेरा का आंकड़ा, का और शाखा, पारदर्शी तरीके से। आगे है हमारे जीवन में, हमारा का सब चिन्ह है, हमारा, हमारी, हमारे जीवन में, जा का आंकड़ा, वा और ये ना का आंकड़ा, जीवन में, यह हमारे जीवन में। आगे है यह बहुत आवश्यक नहीं है, यह का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, बहुत का सब चिन्ह ये हो जाएगा, आवश्यक का सब चिन्ह ये है, और नहीं और ये है, यह बहुत आवश्यक नहीं है। आगे है देश विदेश में, देश धा बनाएंगे, साका विदेश और ये में, देश विदेश में। इसके बाद है परमाणु बिजली घर, पामेरा का आंकड़ा, मां, परमाणु बिजली, बिजली का सब चिन्ह है और ये घर, ये हो गया परमाणु बिजली घर। प्रश्न यह है कि, पामेरा का आंकड़ा लगाएंगे, शाखा आंकड़ा और ना, प्रश्न यह, इसी में है और कि, प्रश्न यह है कि। आगे है पारदर्शिता के लिए, ये भी लाइन से बनेगा, बढ़िया की मात्रा है, पामेरा का आंकड़ा, दामेरा का आंकड़ा, शाखा आंकड़ा और ता, पारदर्शिता और ये के लिए, ये हो गया पारदर्शिता के लिए। आगे है हर हाल में, हा बनाएंगे और रा बनाएंगे ऐसे, हर हाल, हा का आंकड़ा और ला और ये में, हर हाल में। इसके बाद है मैं यह कहता हूं कि, मैं का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, यह इसी में, कहता का सब चिन्ह, ये हूं कि, मैं यह कहता हूं कि, सोच विचार के बाद, सा का आंकड़ा और चा, सोच हो गया, विचार में चा मेरा का आंकड़ा, विचार के बाद, मस्तिष्क को काट दो, सोच विचार के बाद। आगे परमाणु हथियार, पा मेरा का आंकड़ा, मां, ना का आंकड़ा देते हुए, हा का आंकड़ा, ह और थी यार, परमाणु हथियार। आगे है नौसैनिक अड्डा, ना बनाएंगे, सा का आंकड़ा और का, नौसैनिक हो गया, अड्डा, डा से इसको काट दो, ये हो गया नौसैनिक अड्डा। इसके बाद है पिछले कुछ समय से, पिछले यद्य पीछे वाला सब चिन्ह इसमें ला लगा दिए, पिछले ये कुछ का सब चिन्ह, ये समय और ये सी, पिछले कुछ समय से।
आगे है हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू का शब्द चिन्ह ये हो गया, मुस्लिम का शब्द चिन्ह ये है, इसी में एकता ता का आंकड़ा लगा देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता। लास्ट में है यह सुनकर भी, यह का शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर, सुन कर और ये भी, यह सुनकर भी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने वाक्यांश आपको बना के बताए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वाक्यांशों की उतना ही आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी। सीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, जितना ज़्यादा आप सीन डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अनसीन लिखने में आसानी होगी। शब्दों को पहले छांटिए, उनमें से शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियाँ भी आपकी कम होती हुई चली जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।